हेलो फ्रेंड्स, रोज एडिटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, क्या आपको पता है कि एक सिंगल क्लिक से आप अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर कर सकते हो, या तो फिर किसी भी ब्लर फोटो को एक सिंगल क्लिक से बिल्कुल सही HD क्वालिटी में कर सकते हो। तो आज का सब्जेक्ट मेरा यही है कि कैसे आप अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को एक सिंगल क्लिक के साथ कलर कर पाओगे, या तो फिर किसी भी ब्लर इमेज को आप उसको एक सिंगल क्लिक से ठीक कर पाओगे, एक अच्छी खासी HD क्वालिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। तो वो कैसे करना है, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो पूरा जरूर वॉच करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। तो गाइस, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएगी, जिससे कि आपका बेनिफिट होगा। और आप लोगों को एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक आप कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि मैंने खुद से डेवलप किए हुए हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड काफी सारे टाइप के आपको सॉफ्टवेयर मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होंगे, सीरियल नंबर के साथ होंगे, जो कि मैंने खुद से डिजाइन किया, मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। या तो आप किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में। तो गाइस, वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फोटो को, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर कर सकते हैं, या तो फिर किसी भी टाइप की ब्लर इमेज को, जो कि क्लिक की हुई जो इमेज होती है आपके कैमरे से जो ब्लर हो जाती है गलती से, या तो फिर आपके मोबाइल की व्हाट्सएप की फोटो जो कि ब्लर हो जाती है। ऐसा कई बार होता है कि आपके कस्टमर आपके पास मोबाइल से फोटो भेजते हैं और वो आपको बोलते हैं कि बड़े से बड़ा साइज को प्रिंट आउट कर दो, लेकिन वो प्रिंट आउट नहीं हो सकता। एक्चुअली प्रिंट आउट तो कर सकते हो, लेकिन वो पिक्सलेट हो जाते, वो ब्लर हो जाता है। ये वाली प्रॉब्लम जो होती है वो सबके साथ आती है। तो मार्केट में काफी सारे AI टूल चल रहे हैं इस चीज के लिए। तो जो आज मैं आप लोगों को कंटेंट बताने वाला हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो AI से रिलेटेड ही है। कैसे काम करना होता है, कैसे फीचर्स हैं, वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फोल्डर लिया डेमो, इसके अंदर मैंने अपने नेट से काफी सारी इमेज को डाउनलोड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, ये एकदम बिल्कुल इंडियन ड्रेस है, इसके हाथ में चूड़ियां भी है। तो ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये विक्टर लोगो लिया है मैंने। विक्टर लोगो मतलब कि आप जानते हैं कि क्या होता है, आपको कुछ लोगो की जरूरत पड़ती है तो आप नेट से उठाते हो, लेकिन वो लोगो आपका पिक्सलेट होता है, वो फटा हुआ होता है, आप उसको यूज नहीं कर पाते हो। तो आज यूज कर पाओगे आप, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो उसको। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लिए कि कैसे आपको इसको कलर करना है। यहाँ पे आपको मैंने ब्लर इमेज लिया है कि कैसे आपको मैं दिखाऊंगा कि ये ब्लर इमेज ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे मल्टीपल लोग खड़े हुए हैं एक पिक्चर के अंदर, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है, इसको कैसे कलर करना है। तो ये भी आपका ब्लैक एंड व्हाइट से कलर के लिए ही है। तो ये सारे सैंपल के साथ मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग खोल लेते हैं अपना एप्लीकेशन। ये मेरा एक प्लगइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम आपके पास भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपको जो चूज बटन लिखा हुआ आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे फोटो रखे, आप उसको उठाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली फोटो पे चलते हैं, ठीक है। ये वाली जो पहली फोटो, इसको डबल क्लिक मैंने किया। डबल क्लिक करने के बाद आपकी इमेज यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको यहाँ पे जो ये बटन बना हुआ है प्रीव्यू, इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लाइन ऊपर और नीचे जा रही है। तो ये अभी अपनी फोटो को वो रीड कर रहा है। एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताने वाला हूँ क्यों आपको ब्लैक एंड व्हाइट से कलर करना या तो फिर ब्लर फोटो को ठीक करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि एक फोटो के अंदर लाखों पिक्सल होते हैं, ठीक है। अब लाखों पिक्सल को अगर आप मैन्युअली ठीक करने बैठोगे तो आपको कई दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्लगइन या फिर किसी टूल की मदद से अगर आप काम करते हैं तो वही चीज जो आपका घंटों का काम होता है वो चीज आपको मिनट में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्लिक किया और सीधा रिजल्ट आपके सामने आ गया। रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि लाखों पिक्सल को वो टूल आपका रिपेयर कर रहा है। तो अगर रिपेयर करेगा तो डेफिनेटली वो टाइम लेगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट रिजल्ट आएगा आपके सामने। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं रिजल्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, यहाँ पे आपकी रिजल्ट वाली इमेज है जो कि कलर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ रिजल्ट ऐसा दिखाई दिया है। तो ये हो गया, अब आपको इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए यहाँ पे जो बना हुआ है एक्सपोर्ट बटन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे ओपन जो फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। ये इसने अपने हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना लोकेशन सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको देना है उसका लिंक आपको यहाँ पे डालना है, या फिर ब्राउज सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो अभी मैं फोटो को हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने बैक किया, मैं चूज पे जा रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लोगों की इमेज लेते हैं एक बार, ये वाली लेते हैं इमेज। आप इस इमेज को देखो, ये विक्टर इमेज। विक्टर इमेज कैसी आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फटी हुई इमेज दिखाई दे रही है। अब हम लोग इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अब विक्टर इमेज को ठीक करना है तो जनरल मोड पर जाके क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे भी ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और हम लोग को रिजल्ट ला के देगा। जो रिजल्ट आपको बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, डेफिनेटली आप फोटोशॉप में भी काम कर सकते हो। फोटोशॉप में भी काफी सारे ऐसे टूल्स होते हैं कि जिसकी मदद से आप
किसी भी ब्लर इमेज को आप ठीक कर सकते हो, यानी विक्टर इमेज को आप रेडी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा, लेकिन अगर आपको अच्छी नॉलेज है फोटोशॉप की तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप ये प्लगइन वगैरह, ये टूल्स वगैरह जो भी आते हैं मार्केट में, उसे आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी हेल्प होगी। नॉर्मली अगर हम लोग किसी भी चीज़ का काम करते हैं तो अगर हम लोग को कोई लोगो उठाना पड़ता है, जो कि विक्टर लोगो होता है, नेट से अगर हम लोग उठाते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को HD क्वालिटी में तो मिलता नहीं, कभी कभार मिल भी जाता है लेकिन मोस्टली चांस ये होता है 90% की नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग फिर वहाँ से नेट से उठाते हैं, उसको फोटोशॉप में स्ट्रेच जैसे ही करते हैं, जैसे बड़ा करते हैं, वो फट जाता है, और फटने की वजह से हम लोग उसमें काम नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग के पास रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की क्वालिटी आपको समझ आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरी फाइल को चूज कर लेता हूँ, ये वाली फोटो को लेते हैं, ये फोटो डाल दिए, ठीक है। आप फोटो देख सकते हैं, मुझे इसको कलर करना है, कलर मोड पर क्लिक किया मैंने और प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया, और प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट जो आएगा बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट शो करता हूँ। आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर करें, चाहे किसी ब्लर फोटो को आप ठीक करें, मतलब कि HD क्वालिटी में कन्वर्ट करें, आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा अपने टूल्स के साथ, क्योंकि टूल्स आपको, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारा वर्क करेगा आपके हर एक पिक्सल के अंदर, आपके हर एक पिक्सल को कलर करेगा ब्लैक एंड व्हाइट से कलर या तो फिर ब्लर से ठीक करेगा, तो उसको टाइम चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई मैजिक नहीं है, काम जो हो रहा है वो कोडिंग के थ्रू ही हो रहा है, वहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है उसी के थ्रू हो रहा है, तो वो भी पढ़ने में उसको टाइम लगाएगा। लेकिन इसका आधा शेयर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर भी पड़ता है। अगर आपकी कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है तो रिजल्ट जल्दी आ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा स्लो है तो रिजल्ट आने में टाइम भी लग सकता है आपको, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी जा सकता है, या फिर आधे घंटा भी रिजल्ट आपका जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग के पास रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। यहाँ पे छोटी चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे जहाँ पे मेरा माउस है, जो फोटो की जो ओरिजिनल क्वालिटी थी वो थी 573 KB, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो 2 MB का है, तो आपका जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देखें आपका ब्लैक एंड व्हाइट कैसा था और कलर कैसा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो बड़ा करके भी आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रेस पे देख सकते हैं, बालों पे देख सकते हैं, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम लोग बैक करते हैं, अगर और ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने हैं तो हम लोग यहाँ से किसी को भी, अच्छा ये ब्लर वाला दिखा लेता हूँ मैं आपको एक बारी, ये ब्लर वाली इमेज को मैंने खोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं फेस मोड पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जो फेस मोड होता है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा, 100%, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फेस मोड है, फेस मोड पर वो डीपली स्कैन करता है और डीपली आपके हर एक पिक्सल को वो ब्लर से वो ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये है एक्चुअली बहुत ही बढ़िया टूल, लेकिन ये AI मोड के साथ होता है। AI एक्चुअली आज की डेट में हर एक चीज़ में AI आ रहा है, आप सभी को पता है कि फोटोशॉप के अंदर भी AI आ गया, जिसको हम लोग जेनेटिव फिल बोलते हैं, फोटोशॉप बीटा वर्जन जो भी चल रहा है, जिसका वर्जन आई थिंक 24.7 या फिर 24.6 है, उसके अंदर भी AI आ गया, उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती है। AI करता कुछ नहीं है एक्चुअली, आपकी फ़ोटो से मिलती जुलती वो लाखों फोटो जो दुनिया में है वो इंटरनेट के थ्रू उठाता है, उठाने के बाद उसी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट को काट के, हजारों फोटो में से काट के वो आपकी एक फोटो की इमेज को बना के देता है, तो ये चीज़ होता है। लेकिन ये जो टूल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप ही की ओरिजिनल फोटो को वो ठीक करता है, तो ये होता है। अगर AI कहीं से उठा के डालता तो जल्दी काम हो जाता, जैसे कि फोटोशॉप डालता है, फोटोशॉप के AI के अंदर अभी तो वैसे ब्लर से ठीक करने का फोटो ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर करने का, लेकिन उसमें जो रिजल्ट है वो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आई थिंक, मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद, उसमें भी ये सारे फीचर्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे, फोटोशॉप बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट हम लोग के सामने आ चुका है, आपको भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पहले जो फोटो थी वो हम लोग की कुछ इस ढंग से ब्लर थी, और जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ये है आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि ये टूल आपका किस काम आने वाला है। तो और भी पिक्चर्स हैं यहाँ पे मेरे पास डेमो के तौर पे मैं रखे हुए थे, लेकिन टाइम वेस्ट वाली बात है, आप लोग समझ गए हैं, वीडियो लंबा करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से मैंने इस टूल्स को बंद कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर आपके सामने है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसके थ्रू आप मुझे मैसेज करें और ये टूल ले सकते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।